जितने भी यहाँ सारे चौधरियां हैं और सारी क्रीम यहाँ है, मैं तहदिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो मेरे सर पे पगड़ी बांधी है, खासकर जो भी जब भी मेरा इलेक्शन उठा, देखो करने वाला खुदा है, यहाँ से उठाए। जब भी इन्हें पिछली बार जुड़े थे तो तब अल्लाह ताला जाके मेले में बढ़ाया था कहीं, और इन्होंने जो सर पे पगड़ी, इनसे झुकने नहीं दूंगा, इसकी मान और सम्मान रखूंगा, एहसान बंद रहूंगा, आप लोगों का एहसान मेरे से जिंदगी भर नहीं उतरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बीते हुए रविवार को रनियाला पटाकपुर गांव के सरपंच सुबान खान द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी दी गई, जिसमें फिरोजपुर झिरका विधानसभा से कांग्रेस विधायक मामन खान ने भी शिरकत की तथा इलाके के पंच सरपंच मौजूद व्यक्तियों ने इस पार्टी में पहुंचकर पार्टी की शोभा बढ़ाई। रनियाला पटाकपुर गांव पहुंचने पर कांग्रेस MLA फिरोजपुर झिरका विधानसभा से विधायक मामन खान इंजीनियर का ग्रामीणों ने पगड़ी बांधकर मान सम्मान किया। वही इफ्तार पार्टी में खास बात ये देखने को मिली कि इलाके के पंच सरपंच हुए तमाम सरदारी ने इस पार्टी में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा कि जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे तो इसी गांव में शिरकत की थी तथा इसी गांव में उनका चुनाव का उठान हुआ था। वही उन्होंने कहा कि अब इफ्तार पार्टी के बाद में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी देश प्रदेश वासियों तथा मेवात वासियों को ईद उल फित्र के त्योहार की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये खुशियों का त्योहार है तथा उन्होंने कहा कि मेवात जिले में जो हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा है सदियों से मिसाल बना है तथा वो किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे को नहीं टूटने दिया जाएगा। वही इफ्तार पार्टी में आए पंच सरपंच तथा इलाके की सरदारी को जहां मामन खान ने धन्यवाद प्रकट किया, ऐसे में मामन खान इंजीनियर ने कहा कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मेवात के बच्चे बच्चे को रोजगार देने के साथ साथ में मेवात का भरपूर विकास भी कराया जाएगा। वही मामन खान इंजीनियर ने भाजपा की बड़गली चौक पर आयोजित रैली के बारे में कहा कि यहाँ के नेताओं ने मुख्यमंत्री जी से कुछ मांगा ही नहीं, ताकि मुख्यमंत्री मेवात के लिए कुछ देकर जाता। वही मेवात यूनिवर्सिटी और दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौधरीकरण को लेकर इंजीनियर मामन खान ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर हालत में लोगों की ये जायज मांगे हैं उनको पूरा कराया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। आज सर रनियाला पटाकपुरा पहुंचे हैं, आज सुबान का कि यहाँ पर आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, ऐसे में आपको पगड़ी बांध कर पूरे तमाम सरदारी को समर्थ किया गया, क्या कहना है सर? सबसे पहले तो हाजी सुबान जी ने जो रोजे इफ्तारी दी है, हाजी सुबान जी ने अकेले नहीं दी, इसमें काफी सारे हैं। हाजी सुबान जी है, मुख्तियार जी है, अपने क्या नाम है मुमताज पार्षद भी है, सरपंच भी है, और मुख्तियार जी भी है, और कौन ईसा जी भी है, और आबी जी, सबने मिलके ही आसफ जी है, इन्हें सबने ही मिलके नहीं आज रोजे इफ्तार दिया। सबसे पहले अल्लाह ताला इनकी जो रोजे इफ्तारी कराई, रोजगारों की उनकी रोजा इफ्तारी को कबूल फरमाए, और बाकी जिस तरह से इन्होंने मान सम्मान दिया है, पहले भी दिया था 2019 का जब इलेक्शन था, और अब रमजान के महीने भी इन्होंने जो मान सम्मान दिया, पगड़ी बांधी और जो अपना समर्थन दिया, मैं सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरह से इन्होंने मेरा मान सम्मान रखा है, इंशाल्लाह अब के कांग्रेस की पार्टी सरकार बनेगी तो इनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा रहेगा। और जो भी ये कहेंगे, इलाका जो कहेगा विकास के बारे में और भी कोई सामाजिक काम में, इंशाल्लाह मैं सबको पूरा करूँगा। आज कितने गांव के सरपंच जिस पार्टी में शामिल हुए हैं इफ्तार पार्टी में? जब तीन चौधरियों ने बांध दी तो सभी आ गए, उसमें तो रही क्या गया है, सरपंच आपके सामने है, इधर सरपंच किसका नाम गिनवाऊंगा, बहुत जो इन्होंने बुलाया सब, तकरीबन सभी सरपंच आए, पूरा इलाका आया। आप तो 4.5 साल विपक्ष में रहे, फिर भी आपने काम किए हैं, तो लोगों को आगे किस तरह का विश्वास दिला रहा है कांग्रेस सरकार बनने पर, क्या कर रहा है? मैं ये कहता हूँ कि मेरे विधानसभा फिरोजपुर झिरका है, जो 50 साल पीछे चले गए, अगली बार सरकार बनी और इन्होंने मैं यहाँ से MLA बनाया था, इंशाल्लाह इतने काम कर जाऊंगा भूल जाएंगे 50 सालों को कि यहाँ हम कितने पीछे थे, उनको कितना आगे लेके जाऊंगा। अभी भी इनका नहरी पानी है, चाहे बिजली है, चाहे रोड है, सारे काम करें, इनका कोई ऐसा काम नहीं है, हर किसान को टाइम पे पानी मिल रहा है, हर टाइम यहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है, सारे रोड हमारे यहाँ जो 25 करोड़ रुपए मिले थे सारे रोड बनवा दिए, कोई सी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे यहाँ के मतलब वोटर सपोर्टर जो दुखी हैं। अभी कुछ दिन पहले बड़गली पर रैली होती, सीएम साहब आए थे, लेकिन ऐसा कुछ फिरोजपुर झिरका विधानसभा के लिए नहीं था, क्या करें? मैं ये कहूँगा जो वहाँ यहाँ के मेवात के स्थानीय बीजेपी के नेता हैं, भाजपा के,
उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने मांग नहीं रखी। जब कोई मांगता ही नहीं है तो वो कहाँ से अनाउंसमेंट करेगा। इन्होंने तो अपनी कुर्सी से मतलब इनको कुर्सी मिलनी चाहिए, बाकी जनता से इन्हें कोई परवाह नहीं है। जनता के लिए इनकी कोई डिमांड नहीं थी माननीय मुख्यमंत्री के सामने। जो मैं ये कह सकूँ कि माननीय मुख्यमंत्री कुछ नहीं देखे गए। सर आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपका अपना पैतृक गाँव हाइदराबाद डिमांड काफी दिनों से रखी जा रही है, यूनिवर्सिटी की रखी जा रही है, रेल की बात होती है, रेल की सीट बजेगी, लोग उत्साह होते हैं, लेकिन वो भी नहीं होता। ऐसा है, अभी जब अनाज मंडी फ्रूट पे इसमें नुहू में जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह उठाए थे, उन्होंने यही कहा था कि इस सरकार से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। फोर लेन के लिए हम विधानसभा में उठा लिए क्वेश्चन, विधानसभा के बाहर बैठ लिए, पैदल मार्च भी निकाल लिया आपके सामने, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। यूनिवर्सिटी के लिए मैंने नागल मुबारकपुर की जमीन 600 एकड़ जमीन भी दे दी, रेजोल्यूशन भी दे दिया, सरकार ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट करा ली, वो भी ओके होगी, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है मेवात में काम करने की, मेवात में कुछ काम किए जाए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा जी ने यह कहा कि पहली कलम से यूनिवर्सिटी, पहली कलम से फोर लाइन और पहली कलम से जितने भी आपके पीछे के पड़े हुए काम है सबको करूंगा मेरा। सर एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्या मानते हैं कि यहाँ जो पिछड़ेपन का जो कलंक है, यहाँ के जो पहले रहनुमा बनाए हैं, नेता बनाए हैं, वो रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि जो हम पिछड़ापन का सबसे बड़ा जो मुद्दा आप लोग हैं, आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में एक मेवात जिला पिछड़ा हुआ जिला है, जबकि सरकार को, सेंटर सरकार गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मेवात के लिए स्पेशल बजट दिया जाए ताकि ये जिला भी और जिलों की तरह उन्नति कर सके। और जो रहा पिछड़ापन का मुद्दा, वो पिछड़ापन कैसे रहा है, जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक अच्छी एजुकेशन नहीं आएगी हम पिछड़ते ही रहेंगे। हमको पढ़ना ही होगा, हमको आगे जाना ही होगा, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए बच्चों के लिए, और एजुकेशन भी गुड क्वालिटी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की, जो हमारे बच्चे कंप्लीट कर पाए कहीं जहाँ अच्छी अच्छी IITs हैं, IIM है, बहुत अच्छे MBBS डॉक्टर्स हैं। जब तक इनको कंपटीशन नहीं करेंगे हमें कैसे आएंगे, चाहे आप रुपये लाखों रुपये हो जाए, एजुकेशन नहीं आएगी तो हमने पिछड़ नहीं है, हमें एजुकेशन लानी है, हमें पढ़ना पड़ेगा। आज इफ्तार पार्टी में माशाल्लाह हमारे 18 गांवों के सारे सरपंच आए हैं, और 18 गांवों के अलावा और मौजूद आदमी भी आए, पूरे हल्का से आदमी आए यहाँ, पूरे फिरोजपुर हल्का के आदमी यहाँ जिम्मेदार सारे ही आए हुए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी भीड़ के साथ यहाँ लोग आए। देखो जी, हमें ममन खान पूरे हल्का को एक पसंदीदा हमारा आदमी है, पसंदीदा हमारा विधायक है, आगे भी हम इसको इसी तन मन धन के साथ और ईमानदारी के साथ हम इसको अपना समर्थन दिया है, और इंशाल्लाह भारी मतों से हम इसको विजयी बनाएंगे।